का ब्लॉग और आज का ब्लॉग आ रहा है सीधा ही आपके लिए चंडीगढ़ से। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और देखिए हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ की वादियों में, हिमाचल से सीधा ही मिलिए इनसे। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में फिर से अगेन। तो आज गुन्नू दी और हमारा माई डियर ब्रदर जो भैया जो सो रहे हैं वो आज पहुंच गए हैं चंडीगढ़ में, मोहाली में, सॉरी। तो अब थोड़े दिन दीदी यहीं पे हैं तो आपको हमारे दर्शन भी होते रहेंगे एंड आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे और उसके लिए स्टे ट्यून्ड बताएंगे, क्या वो भी पता नहीं। एंड पुराना घर, पुरानी यादें, बहुत सारी यादें और यहाँ पे बैठ गई हैं तीनों मोहतरमा। ये शिवानी की फ्रेंड है, ये भी उन्ना से है। और ये मैं हूँ यार, मैं दिखाई नहीं। अच्छा शिवानी से तो मिलाया नहीं, बोल बड़ी राधे कृष्णा ने तो दो ही लंदी बांकी भी हरी राधे कृष्णा जी। तो यहाँ पे मैं स्टॉक लाई थी, इसने वृंदावन जाना है तो मैं क्या वो भी दे आऊँ और इनसे भी मिला हूँ। ये देखो ये कितना सुंदर है, ठाकुर जी कितने प्यारे हैं, बहुत सुंदर है। दूसरे भी कितने थे, मैं जोड़ दूँगी। दूसरे भी थी आए इधर ना, और कन्नड़ है ये। हाँ हाँ इधर नहीं थे ना, मैंने मंगाया ऐसे फोन लेना, फोन आया था। जूजू बहुत एंजॉय कर रहा है यहाँ पे, खुला खुला है ना। नहीं जूजू, और ये हमारी प्यारी सी सोसाइटी। इस जगह की वाइब बहुत अच्छी है, मतलब कभी भी आ जाओ ना बुरा, मतलब बहुत अलग सा फील आता है यहाँ पे, जैसे पता नहीं मैं कितने जन्मों से मेरा यही घर है। इस घर का वाइब ऐसा है, बट यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है वो मैं आपके शेयर करूँगी, छोड़ करूँगी। सुंदर लग रहा है। ये हमारे कान्हा जी, मिलिए हमारे कान्हा जी से। जो जो बाहर से चिल्ला रहे हैं क्योंकि अंदर वाले कमरे में कान्हा जी रखे हैं, इसलिए मैं उसको अंदर नहीं अलाउ कर रही हूँ। और ये देखिए पल्लू ने मेहंदी की प्लेटर बनाई, मैं बाद में दिखाऊंगी आपको सारी चीज़ें, फिलहाल मैं घर दिखा रही थी। तो यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने शिफ्ट कर लिया है इस रूम में, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी तो उस वजह से इन्होंने किसी और के साथ शिफ्ट कर लिया था। तो ये रूम अभी इस तरह का हो चुका है एंड दिस इज किचन जो पहले था, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं बट वही है, फील वैसा ही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने बड़े प्यार से लेके आई थी मैं इस किचन को बनाने के लिए। तो ये अभी यहाँ पे लग चुकी है अलमीरा वगैरह, और फ्रिज भी चेंज हो गया है। बाकी ये रूम जिन्होंने शिफ्ट किया है, कोई लड़की हैं उसके वो भी हैं नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। मेरे मदन मोहन जी, मदन मोहन जी। तो शाम के बज गए 6 और हम लोग अभी भी गप्पे शप्पे मारने में सारा टाइम निकल गया, क्योंकि बहुत सारे टाइम बाद मिले थे तो ऑब्वियसली इतना सारा इतना टाइम तो लग ही जाता है। बहुत सारे टाइम के बाद मिले थे गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? आप लोग जो तो बोलते थे कि शिवानी और पल्लू दीदी के पास जाओ तो ये आ गए हमारे पास। तो गई हूँ मैं, पर मैं चली भी जाऊंगी, क्योंकि तो मैं क्यों जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया कि किसी ने शिफ्ट किया हुआ है तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैंने कहीं और मैं शिफ्टेड हूँ अभी। तो मैं आई थिंक 2-3 दिन पहले आ गई थी, तो आज संडे, सॉरी आज छुट्टी थी इनकी, तो मैं इनसे मिलने आ गई। बीच बीच में आती रहूँगी, लाइक वीकेंड्स पे आती रहूँगी। बस ये है, क्योंकि लोग फिर पूछेंगे कि आप अलग क्यों रह रहे हो, या आप लोगों की बनती नहीं है ऐसा, ऐसा ऑब्जर्व। हाँ यार बहुत बनती है हमारी, ऑब्जर्व कर लेते हैं, गलत जज कर लेते हैं। तो यही अभी के लिए तो यही रीज़न है कि फिलहाल के लिए मुझे, क्योंकि अभी जब वो टाइम था तो ऑब्वियसली वो लड़की यहाँ पे थी, है ना, कि जब मैं यहाँ पे नहीं रह रही थी, तो अभी हम उसको नहीं निकाल सकते हैं ना, कोई लॉजिक नहीं बनता निकाल नहीं सकते, मतलब कि हम ऐसे नहीं कर सकते ना, नहीं हो पाए एडजस्ट, क्योंकि यहाँ पे 3 ही अलाउड है। लैंडलॉर्ड ने हमें पहले से बोल दिया था, और मेरे साथ जो जो भी है तो उसके साथ तो और ज्यादा दिक्कत है, जो जो क्योंकि पेट तो यहाँ पे बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो ऐसे मिलने के लिए आ सकते हैं, बट ऐसे वैसे हम एंजॉय वैसे ही करेंगे, करेंगे अभी कोई पता नहीं है हमारा, हम क्या करेंगे। हाँ हो सकता है इन फ्यूचर हम तीनों कहीं और शिफ्ट कर ले, हो सकता है, बाकी हो सकता है मेरी शादी हो जाए फिर 3 साल तीन साल लग रही सुन दी, सेम वर्ड, शादी
तो मेरी शायद से शादी हो सकती है, तो मैं कुछ शर्म आ रही है। बस कर, अगले साल भी रियो ना, मैं टिकट और कैमरा लेने गाइस नहीं हुई शादी गाइस मेरी फेमस उस वक्त भी बोलूं मेरी फिर से शादी होने वाली है। हां तो कुछ पता नहीं, देखो हम सोच के चलते, बाकी जो भगवान की इच्छा जैसे उन्होंने रखना होगा, जहां रखना होगा, जैसे रखना होगा रखेंगे। बड़े सारे लोग बोल रहे थे ब्लॉग नहीं बना रहे, बहुत टाइम से मैंने ब्लॉगिंग छोड़ी हुई थी, आई थिंक 10-15 दिन तो हो ही गया ना, क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही थी, मुझे शिफ्ट करना था जो के साथ, बहुत सारी टेंशन थी लाइफ में कहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि होता है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा एक्टिक हो जाता है। उसके बाद मेरा ज्वेलरी बिजनेस भी है, उसको भी टाइम देना होता है, तो इतना टाइम बचता ही नहीं। उसके बाद जोजो को भी बहुत टेक केयर करना पड़ता है, क्योंकि जोजो के लिए तो बिल्कुल ही नई चीज़ हो गई, हिमाचल से चंडीगढ़ एकदम से, इसके लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल ही, मतलब लोग बदल गए, इन्वायरमेंट बदल गया, ऊपर से सोसाइटी में रहना, वहाँ पे लिफ्ट वगैरह का इतना दिक्कत हो गया था इसको बेचारे को, 2-3 दिन तो मतलब इसको एडजस्ट कराने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, बट अभी इसने वहाँ पे एडजस्ट कर लिया, तो वहाँ से आज मैं इसको यहाँ पे लेके आई, तो ये बोल रहा है कि इसे मिलाने के लिए, हाँ मिलाने के लिए भी, तो आज इसका रिएक्शन ये था, भाई तू कहाँ कहाँ घुमा रही है मुझे, ये सीढ़ियों में चढ़ ही नहीं रहा था, चढ़ ही नहीं रहा था, अभी यहाँ पे स्टेयर्स है, अभी ऊपर उठा के लेके आना पड़ा, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल होगी। और बाकी यूं ही आपको ब्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे, हम सब ऐसे ही खिलखिलाते हंसते हुए मिलेंगे, आप भी खुश रहिए, दूसरों के खुशी का कारण बनिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। हाँ जी, तो अभी कोई मेहमान आ रहे हैं, इनके फ्रेंड कोई पल्लू नहा रही है, और हमारी दीदी आ रही है, इनके कोई फ्रेंड है दोनों की, नहीं जाओ जो जो तिजो लगे कसम और ये शिवानी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मेरी बेस्ट, इनको हम वैसे देखते थे, बहुत खूबसूरत है, ये खूबसूरत, ये मैरिड है, खूबसूरत है, मैरिड भी हैं, एक और खूबसूरत, तेरा है तो ऐसे ऐसा था कि अभी मैं थोड़ी देर तक निकल रही हूँ वापस, अभी निकल रही हूँ वापस, आज नहीं जाएंगे, अब ये 1-2 दिन इधर रुकेंगे फिर जाएंगे, आज करते हैं, आओ है आज जाना, ये रखना जो जो इसको आज एक बार, ए दीदी आने वो चले, तो ये हमारा प्रधानमंत्री आकर चला गया है, ब्लॉग डालती रहूंगी अभी डेली, शायद हम सब वृंदावन भी जाएं, तो आप लोगों को वहाँ के वृंदावन, कोई पूछ रहा था मेरे से कि मैंने वृंदावन जाना था, बोला चलो चलो हमारे साथ चलो हम जा रहे हैं, 16-17 वगैरह ना, ये वाले दीदी भी उन्ना से ही हैं, दीदी नहीं है बढ़िया है मेरी उम्र दी ये चलो ये वाले सॉरी ये वाले मोनिका क्या पागल है मोनिका वो ये वाले मोनिका मोनिका भी दिल्ली से है दिल्ली से है मोनिका भी सारे चेंज मोनिका भी उन्ना से है हिमाचल से है हां जी सारा ले रहे चादरूरा सोने घटे जो नहीं मेरी बेटी कहाँ है इधर आओ माँ नीचे से सोए रहा शुंडा चलेंगे वो तुझे छोड़ दिया अच्छा तो मैं जा रही हूँ मेरा सामान वगैरह पैक कर रहा जो भी जा रहा है जहाँ पे मैंने शिफ्ट किया है बाय गाइस बाय गाइस बाय होम तो अभी मैंने अपना सारा सामान यहाँ पे फेंक दिया है क्योंकि सेट करूँगी कल और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ ये है घर कुछ दिनों के लिए पता नहीं कितने दिनों के लिए पर जितने भी दिनों के लिए बहुत सुंदर है तो ये सारा थोड़ा सा मैसी है बट कल तक ठीक कर लूँगी और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ वेरी वेरी टायर्ड अब मेरे आईज से पता लगा सकते हो तो अभी मुझे जो जो को मैंने खाना दिया वो खा रहा है उसको लेके जाना है मैंने वॉक पे क्योंकि उसकी रूटीन ऐसी बनाई है ब्रेकफास्ट लंच देन शाम को वॉक पे फिर से 6-7 बजे और फिर सोने से पहले एक बार फिर से लेके जाना पड़ता है दैट्स इट फॉर द डे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर ऑल